हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पर। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, स्टूडेंट्स देखें किस तरीके से मैंने नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की वीडियो देख करके, तब आप यहाँ पर अगर टॉपिक पर आएंगे तो इस न्यूमेरिकल पर आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी फिर भी मैं आपके लिए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूँ, जिससे आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने एक सेट लिया, कोई भी ओपन इंटरवल ले लिया। मैंने ओपन इंटरवल लिया स्टूडेंट्स 1.5। अब देखें स्टूडेंट्स, इस ओपन इंटरवल में ये रियल नंबर सारे क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे। तो इस ओपन इंटरवल के सेट के लिए मैं स्टूडेंट्स आई नाम दे देता हूँ। और यहाँ स्टूडेंट्स एक एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मैंने कह दिया ये 4 है। तो 4 क्या कर रहा है, डेफिनेशन में मैंने पी लिया था इसके लिए 4 इक्वल टू, और देखिए 4 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल के सेट में। एक मैं और सेट ले रहा हूँ, मैंने कह दिया ये सेट है स्टूडेंट्स 0.6 का। तो स्टूडेंट्स 0.6 का ये मैंने कह दिया, ये सपोज करिएगा इस तरीके से कह दिया मैंने, ये जो है वो सेमी क्लोज्ड सेट है, इसे मैंने नाम दे दिया एन 0.6 से बना हुआ। तो ओपन वाले पोर्शन के लिए इस तरीके से भी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जिसे नाम मैंने आई दिया है, इसके सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर हैं, इस सेट में कंटेन हो रहा है। तो आई यहाँ पर सबसेट है एन का, क्योंकि आई के सारे एलिमेंट एन में बिलोंग कर रहे हैं, और आई में बिलोंग कर रहा है पी जो मैंने 4 लिया है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेट है एन, वो इस 4 का क्या हो गया, नेबरहुड। तो एन इज 0.6 इज नेबरहुड ऑफ पी इजिकल टू 4 का। तो इस तरीके से ये नेबरहुड को मैंने एक्सप्लेन किया। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी सेट का नेबरहुड देखने के लिए क्या करिएगा कि ये देखो कि कोई ओपन इंटरवल ऐसा है जो क्या है, सबसेट है एन का। तो अगर ऐसा हम देख पाते हैं तो हमारे पास में हम ये कहेंगे कि एन नेबरहुड हो जाएगा उस सेट का। तो देखें स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको लिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2.4, यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2.4। तो देखें स्टूडेंट्स, ना 2 इंक्लूड हो रहा है ना 4 इंक्लूड हो रहा है। तो ये एन सेट है, ये एन है, इसके बीच में मुझे 3 को देखना है कि 3 क्या, 3 का नेबरहुड है ये सेट। तो देखो स्टूडेंट्स, इस 2.4 ओपन इंटरवल के बहुत से, यहाँ से यहाँ तक के कोई भी एलिमेंट लेकर के, यहाँ से यहाँ तक के कोई भी एलिमेंट लेकर के क्या कर सकते हैं, हम ये वाला एलिमेंट जो है वो इंटरवल ले लें, ये वाला इंटरवल ले लें, ये वाला इंटरवल ले लें, बहुत से इंटरवल्स ले करके जो क्या ले लें, ओपन ले लें। हम क्या कर सकते हैं,
जो है जिसमें ये थ्री क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। जैसे मैंने एक बना करके दिखाता हूँ, मैंने कहा ये थ्री, अब मैंने यहाँ पर एक जो है वो ने बोल दिया 2.5 और यहाँ पर वो ने बोल दिया 3.1। तो देखो 2.5 और 3.1 एक ओपन इंटरवल ले लूँ, मैं इसके लिए एक ओपन इंटरवल ले लूँ जो सबसेट है मेरे पास में 2.4 का। ये ओपन इंटरवल इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से, ये ओपन इंटरवल है। तो ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट हो रहा है, और ये वाला सेट जो ओपन इंटरवल है वो कंटेन कर रहा है थ्री के लिए। तो हमारे पास में क्या कह सकते हैं हम, जो है वो 2.4 का ओपन इंटरवल जो है वो क्या कर रहा है, थ्री का नेबरहुड है। तो देखें, सिंस टू कॉमा फोर कंटेन्स, तो देखो स्टूडेंट्स ये थ्री इस 2.4 में भी कंटेन हो रहा है। तो अगर कोई ओपन इंटरवल, कोई एलिमेंट ऐसा हो जो किसी इंटरवल में क्या हो रहा हो, कंटेन हो रहा हो, तो क्या कहलाएगा ये हमारे पास में। तो देखें, कंटेन्स इज सबसेट ऑफ, यहां देखो मैंने 2.5 3.1 एटलीस्ट वन दिखा दे, इस सबसेट ऑफ दिस। तो देखिए यहां लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई, क्या लिख देते हैं, देखिए 2.5, 3.1 इज सबसेट ऑफ 2.4 के ओपन इंटरवल में, और ये हमारे पास में सच डैट 3 बिलोंग्स टू 2.5, 3.1 देयरफॉर दिस इज एन नेबरहुड ऑफ थ्री। तो थ्री का क्या हो गया, ये नेबरहुड हो गया। अब मैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट के लिए लेकर के चल रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास में क्या किया गया है, सेकंड पार्ट में ये जो सेकंड पार्ट ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट में टू इंक्लूड किया गया है और यहाँ पर फोर इंक्लूड किया गया है और यहाँ थ्री। तो यहाँ पर भी हमारे पास में बहुत से ओपन इंटरवल्स ऐसे हो सकते हैं जो क्या करेंगे, हमारे पास में 2.4 से बना हुआ, देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इसे इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ओपन है ये, तो यहाँ पर बीच में देखें, मैं यहाँ पर मैंने कह दिया 2.1 और यहाँ पर मैंने कह दिया 3.1। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, सिंस 3 बिलोंग्स टू 2.1, 3.1 ओपन इंटरवल में,
इज सबसेट ऑफ इज अ सबसेट। वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स हो सकते हैं 2, 4 के बीच में, जो हमारे पास में क्या होंगे 3 को कंटेन कर रहे होंगे, सबसेट ऑफ 2, 4 से बना हुआ सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ दिस। देयरफोर या डैट इज 3 बिलोंग कर रहा है 2.1 और 3.1 से बने हुए, और जो सबसेट है सेमी क्लोज्ड इंटरवल में। देयरफोर दिस इज नेबरहुड ऑफ 3। 3 का क्या हो गया, ये नेबरहुड हो गया, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट यहाँ इसे दिखाना है। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में ये सेमी ओपन है, तो ये 2 पर ओपन है और 4 पर क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मीन्स ये इंक्लूड किया जाएगा और ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 3 कहाँ पर है हमारे पास में, यहाँ पर कहीं पर बीच में है। तो ये सेट क्या कर रहा है, बहुत से ओपन इंटरवल कंटेन कर रहा है, जो इस सेट से इसके क्या है सबसेट्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये वाला सेट इस 3 का नेबरहुड हो गया। तो देखिए, तो मैं इसके लिए भी मैंने जैसे 2.1 और यहाँ पर 3.1 ना लेकर का मैं 3.2 ले रहा हूँ। तो देखें, 3 बिलोंग कर रहा है एक ओपन इंटरवल 2.1 और 3.2 से बने हुए इज अ सबसेट ऑफ किसका, इस सेट का। डेट इज, इसके लिए ऐसे करके ले सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू 1, मेरे लिए ओपन इंटरवल ऐसा मिल गया जो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और ये ओपन इंटरवल सबसेट है जो जिस सेट को मुझे देखना है कि ये नेबरहुड है या नहीं। तो ये है मेरे पास में, तो देयरफोर ये वाला सेट 2, 4 इज नेबरहुड। नेबरहुड को स्टूडेंट्स पूरा नाम लिख करके शॉर्ट में इस तरीके से, ये एब्रीविएशन है इसका नेबरहुड का, नेबरहुड ऑफ 3। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या किया गया है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल में भी स्टूडेंट्स हमारे पास में 2 को इंक्लूड किया गया है, 4 को इंक्लूड किया गया है, 3 जो है वो कहीं बीच में है। तो यहाँ पर भी बहुत से ओपन इंटरवल्स ऐसे होंगे जो 2, 4 के सबसेट्स होंगे और 3 कंटेन कर रहे होंगे। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये 2, 4 भी जो है वो इस 3 का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल यही ले रहा हूँ, 2.1 और ये 3.1, सिंस 3 बिलोंग्स टू 2.1, 3.1, ये ओपन इंटरवल है, इज
अ सबसेट ऑफ किसका सबसेट है ये, 2,4 से बने हुए क्लोज सेट का, डैट इज 3 बिलोंग कर रहा है एक ओपन इंटरवल में, जो सबसेट है 2,4 से बना हुआ एक क्लोज सेट का, देयरफॉर 2,4 इज नेबरहुड ऑफ, ये डी है स्टूडेंट्स, नेबरहुड ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट हो गया सॉल्व, अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में मेरे लिए 3,8 ये सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। देखिए 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 8 ये इंक्लूड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स इस सेट में 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 3 इस सेट से ही बाहर हो गया, 3 इस सेट से बाहर हो गया। तो हमारे पास में 3 कहाँ हो गया, 3 हमारे पास में यहाँ से अंदर के ये जो हैं वो रियल नंबर्स जो हैं वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। जब 3 ही बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 क्या है, इस सेट से के लेफ्ट में है, इस सेट के लेफ्ट में है 3। तो 3 हमारे पास में ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो कोई ओपन इंटरवल ऐसा नहीं होगा जो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो देखें सिंस 3,8 इज नॉट सबसेट ऑफ एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग 3, देयरफॉर दिस सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ 3। तो ये स्टूडेंट्स 3 का नेबरहुड नहीं है। आगे देखते हैं, अब मैं आपके लिए सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सिक्स पार्ट के केस में क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सिक्स पार्ट में स्टूडेंट्स, तो देखें सिक्स्थ पार्ट है ये स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट में देखो 3 पर भी ओपन है और 7 पर भी ओपन है, तो ये भी कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं कर रहा होगा, सॉरी ऑर्डर पेयर बोल क्या, कोई ऐसा ओपन सेट कंटेन नहीं कर रहा होगा जो 3 कंटेन कर रहा हो। तो देखिए सिंस दिस इज नॉट सबसेट ऑफ एनी ओपन इंटरवल विच कंटेन्स 3, देयरफॉर दिस वन इज नॉट नेबरहुड ऑफ 3। ये भी नेबरहुड स्टूडेंट्स नहीं है। अब हम इसके लिए देखते हैं सेवेंथ पार्ट के लिए। तो सेवेंथ पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है, सेवेंथ पार्ट में क्या है, देखिए सेमी क्लोज्ड है ये, तो सेमी क्लोज्ड केस में स्टूडेंट्स देखिए 3,7, तो 3 इंक्लूड हो रहा है,
तो स्टूडेंट्स देखिए, जो एलिमेंट का नेबरहुड देखना है, इससे पहले कोई ओपन इंटरवल हमारे पास में, यहाँ का तो हमारे पास में बन सकता है, लेकिन इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिससे बना हुआ ओपन इंटरवल इस 3.7 जो सेमी क्लोज्ड है का सबसेट हो जाए। तो इसलिए ये भी हमारे पास में 3 का नेबरहुड नहीं हुआ, सिंस 3.7 इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी ओपन इंटरवल। Containing 3, therefore this one is not neighborhood of 3. 3 का neighborhood नहीं हुआ है students। आगे देखते हैं eighth part में क्या कह रहा है students। eighth part में ये क्लोज्ड इंटरवल है स्टूडेंट्स, ये 7 लिखा है, 7 सॉरी ये वो क्लोज्ड है। तो देखिए क्लोज्ड में 3 भी इंक्लूड हो रहा है, 7 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 3 से कोई भी ओपन इंटरवल हम ऐसा नहीं बना सकते जो इस 3.7 में कंटेंड हो रहा हो, मतलब इस 3.7 क्लोज्ड इंटरवल्स के क्या हो, सबसेट हो। सिंस 3.7 इज नॉट अ सबसेट ऑफ एनी ओपन इंटरवल देयरफॉर यहाँ पर containing 3, therefore this one is not a neighborhood of 3. 3 का neighborhood नहीं है इस 8th का। अब students मैं क्या कर रहा हूँ, 9th ले रहा हूँ। 9th में देखते हैं students, 9th part में देखिए 9th में क्या है students। नाइन्थ पार्ट में हमारे पास में ये है, तो ये एक क्लोज इंटरवल है। देखिए स्टूडेंट्स 2 और ये 5, ये क्लोज है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में ये 3 को देखना है, तो हमारे पास में बहुत से ओपन इंटरवल्स ऐसे बन सकते हैं जो 2.5 क्लोज इंटरवल के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे, और जो कंटेन कर रहे होंगे 3। तो देखिए, तो मैं जैसे एक एग्जांपल बना लिया 2.1 और मैंने यहाँ पर 3.1, और दूसरा चलो कर लेते हैं 2.1 ये हर बार ना लिख करके 2.1 और यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया। तो देखें सिंस 3 बिलोंग कर रहा है जो 2.4 ओपन इंटरवल में, इज सबसेट ऑफ दिस डेट इज, जो 3 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल सबसेट है इस क्लोज इंटरवल का। तो ये स्टूडेंट्स ये क्लोज इंटरवल इस 3 का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। देयरफॉर क्लोज इंटरवल 2.5 इज नेबरहुड ऑफ 3। ये मेरे पास 9th पार्ट हो गया। 9th पार्ट में स्टूडेंट्स चलो मैं इसको 9th पार्ट में मेरा कुछ और रह गया स्टूडेंट्स, तो इसे मैं 9th बोल दे रहा हूँ, और जो 9th को मैंने सॉल्व किया है, और मैं इसको जो 10th कर देता हूँ।
इसे और यहाँ पर इसे नाइन्थ दे दे रहा हूँ, जो नाइन्थ करा। अब देखें इस टेंथ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व होगा ये टेंथ पार्ट। देखें ये 2.5 जो क्लोज इंटरवल है इसमें से क्या कर दिया, ये मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया है इन दोनों सेट्स का। तो 2.5 जो है से बना हुआ ओपन क्लोज इंटरवल ये हो गया और 4 कहीं यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो 4 से बना हुआ सेट क्या कर देना है, हटा देना है। इसी को क्या ले सकते हैं 2.4, 4 हटा देना है इसमें से, 4 पर ओपन कर देना, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। का यूनियन लूँ किस से, 4 से लेकर के 5 तक का, ये भी ओपन इंटरवल लेना, 4 नहीं लेना। 5 यहाँ क्लोज था तो यहाँ पर भी क्लोज रखेंगे, यहाँ पर 2 क्लोज था तो पर 2 पर क्लोज रखेंगे। तो देखें तो अब यहाँ 3 कहीं बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास में एक सेट लिया जा सकता है। जैसे मैंने ये ले लिया 2.1 और यहाँ पर मैंने 3.1, तो देखें सिंस 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, इसको ये लिख लिया तो इसको ये लिख देता हूँ मैं फिर से, 3 बिलोंग्स टू इस ओपन इंटरवल में 2.1, 3.1 से बना हुआ ओपन इंटरवल इस सबसेट ऑफ दिस सेट डेट इज, हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, 3 जो बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल में, ये सबसेट है किसका, सबसेट को स्टूडेंट सही से दिखा दे, सबसेट है क्लोज इंटरवल दिस माइनस सिंगलेटन सेट विच कंटेन 4 एज एन एलिमेंट, देयरफॉर दिस वन इज नेबरहुड ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया गया है मेरे द्वारा। तो देखिए मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रॉब्लम में कि शो डैट, प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट्स, शो डैट दिस इज नेबरहुड ऑफ 2 बट नॉट 1 and 3। 3 का 1 और 3 का नेबरहुड नहीं है, ये शो करना है। तो स्टूडेंट्स देखें सॉल्यूशन, ये 1.3 लेना है, 1 इंक्लूड हो रहा है और 3 इंक्लूड हो रहा है, 2 यहाँ का वर्ड है। तो देखें 1 के बाद मैंने 1.1 ले लिया और 2 के बाद मैंने 2.1 ले लिया, तो 2 बिलोंग्स टू एक ओपन इंटरवल बनाना है, 1.1, 2.1 इज सबसेट ऑफ 1.3 से बना हुए क्लोज इंटरवल का, डैट इज 2 जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1.1, 2.1 में जो सबसेट है किसका, इसका, देयरफॉर 1.3 इज नेबरहुड ऑफ 2 का नेबरहुड है। अब स्टूडेंट्स ये दिखाना है कि ये 1 का भी नेबरहुड नहीं है, 3 का भी नेबरहुड नहीं है। तो देखें ये मैंने पार्ट सॉल्व कर लिया है, तो 1 का और 3 का। तो इस केस के लिए देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें
वन और ये थ्री। तो देखो स्टूडेंट्स, वन इंक्लूड हो रहा है, लेकिन वन से इधर वाले एलिमेंट को लेकर के अगर मैं ओपन इंटरवल लूँ कोई, तो इधर वाला एलिमेंट तो बिलोंग करेगा 1,3 क्लोज इंटरवल में, लेकिन ये वाला एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मैंने इससे इधर का एलिमेंट तो देखा, सिंस दिस इज नॉट सबसेट ऑफ एनी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कंटेनिंग वन, तो डेट एम्प्लाइज 1,3 इज नॉट नेबरहुड ऑफ वन, तो वन का नेबरहुड ये नहीं है, ये मैंने शो कर दिया। आप ऐसी थ्री का दिखाना है तो थ्री का दिखाने के लिए भी क्या कर दें, सेम ही लैंग्वेज रखना। तो देखिए थ्री इधर का एलिमेंट तो, और इधर को एलिमेंट लेकर के एक ओपन इंटरवल बनाए, तो हमारे पास में ये एलिमेंट तो इस सेट में कंटेन कर रहा होगा, लेकिन ये वाला एलिमेंट जो है वो कंटेन नहीं कर रहा होगा इस सेट में। तो मेरे पास में कोई ओपन इंटरवल ऐसा नहीं होगा जो 1,3 क्लोज इंटरवल का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। इज नॉट सबसेट ऑफ 1,3 इज नॉट सबसेट ऑफ एनी ओपन इंटरवल इंटरवल कंटेनिंग थ्री, तो डेट इज देयरफोर नॉट नेवरहुड ऑफ थ्री। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, और अगर स्टूडेंट्स ये मेरी वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर रहे हैं तो मेरी चैनल के लिए क्या कीजिएगा, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोस के लिए शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। इस टोपोलॉजी जिसको बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, मैं आपको पूरे कोशिश करके इजी से इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कमेंट द्वारा ज़रूर स्टूडेंट्स इन्फॉर्म कीजिएगा कि मुझे तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, और लाइक करेंगे तो भी पता चलेगा कि आपने जो है वो मेरी वीडियो को लाइक किया। प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट्स द्वारा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप और मेरे से क्या चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।